शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अब एक माँ और बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। वैसे दाद देनी पड़ेगी मुझे तुम्हारी। इतनी अच्छी कहानी गढ़ी थी ना मैंने कि कोई पकड़ नहीं सकता था, पर मेरी बहू मुझसे दो कदम आगे निकली। वो बेवकूफ जो मुझे खुद अपने घर लेकर आई, मुझे लगा कि इस घर की वो सबसे कमजोर कड़ी है। नहीं, मैं गलत थी। गलत तो आप अभी भी हैं। जो आपको लगता है कि आपके इस झूठे नाटक से आप अपने बेटे के प्यार को हासिल कर लेंगे। अरे तुमने देखा नहीं, चाहे बच्चा पैदा करते ही माँ उसे छोड़ के चली जाए, लेकिन भोला भाला बच्चा अपने खून की तरफ चला ही आता है। बीवी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म देने वाली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब देखना मैं अभय को तुमसे कैसे अलग करती हूँ। जब आप घर पे आई थी ना, मैंने एक बार भी एक पल के लिए भी किसी रिश्ते के टूटने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने यही सोचा था कि सब प्यार से रहा। आपके झूठ की नींव इतनी ज्यादा खोखली है देवयानी जी। हाँ देवयानी, क्योंकि आप मां कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरे और मेरे परिवार के प्यार की ताकत के आगे आप और आपका ये झूठ एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। और आप देखिएगा, अभय घर लौटेंगे, अभय अपने असली परिवार वापस लौटेंगे। तुम फिर भूल गई श्रद्धा, अभय का असली घर उसको जन्म देने वाली माँ है। और हाँ, लड़ी होंगी तुमने छोटी मोटी लड़ाई उस त्रिपाठी परिवार में, लेकिन इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, दिव्यानी से पड़ा है, और तुम हारोगी। माँ की ममता के आगे ना तुम्हारी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है श्रद्धा, कोई भी नहीं। आपकी इस बात से तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अभय को मम्मी जी ने जो 35 साल तक प्यार दिया है ना, जो ममता दी है, उसके सामने ये जन्म देने वाली माँ की प्यार की भी कोई कीमत नहीं है। और इस लड़ाई में भगवान भी साथ देंगे, उस माँ का जिसकी ममता सच्ची होगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, अगले 7 दिनों में मैं अभय को तुमसे और पूरे परिवार से अलग कर दूंगी। अभय सिर्फ मेरी तरफ होगा। जितनी भी चिंगारी बुझा लो तुम श्रद्धा,
लेकिन जो चिंगारी मैंने तुम्हारे और अभय के बीच में लगाई है ना, जब तक तुम्हारा और अभय का रिश्ता जलकर राख नहीं हो जाएगा ना, मैं रुकूंगी नहीं। और एक बात याद रखना, एक माँ कभी नहीं हारती, कभी भी नहीं। श्रद्धा, तुम कब आए? मम्मी जी, आपको अस्पताल में देखा, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए यहाँ आ गई। मम्मी जी, आपको अपना ख्याल तो रखना होगा ना। बेटा, हम रखेंगे। एक बार हमारा बेटा घर आ जाए ना, तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम कह रहे हैं। और एक बात याद रखना, एक माँ कभी नहीं हारती। अब है अभी आपसे थोड़ा नाराज है, मगर उन्हें लौटना तो आपके पास ही है ना मम्मी जी, क्योंकि जहां उनकी मम्मी है वहीं उनका घर है। अभय के लिए भले देवयानी उसकी माँ होगी, लेकिन अभय हमारे दिल की धड़कन, जो चलती है तो हम चलते हैं। अभय के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हम किसी को नहीं समझा सकते। हारती को हमने कभी भी अभय के अपना और इनकी खुशी छीनने वाली को मैं घर ले आई, ये क्या हो गया मुझसे? मम्मी जी, एक बच्चा भले ही अपनी माँ से नाराज हो सकता है, मगर वो अपनी मम्मी का प्यार कभी भूल नहीं सकता है। अभय भले ही आपकी ममता की सच्चाई से मुंह मोड़ लिए हैं, मगर मम्मी जी, बहुत जल्दी अभय को सब सच दिखेगा, और ये सच उनसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। और सच्चाई यही है कि आप अभय की मम्मी, उनकी माँ, उनका सब कुछ है, और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है ना मम्मी जी? आप देखिएगा, कल मेरे जन्मदिन पर अभय और मैं दोनों इसी घर में पूरे परिवार के साथ आपके साथ मेरा जन्मदिन मनाएंगे। श्रद्धा, अरे यार, अपने जन्मदिन पर सुबह सुबह उठ के रसोई में कौन जाता है? श्रद्धा का बेबी कौन? ये घर पे नहीं है क्या? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई धर्मपत्नी जी। शुक्रिया अभय। कहाँ हैं आप? अब अभय, मैंने आपके लिए एक पार्सल भिजवाया है, आप उसे रख लीजिएगा। अरे, पर तुम घर कब लौट रही हो? मैं तो अपने घर पे ही हूँ अभय, और मैं अपना जन्मदिन आज इसी घर में पूरे परिवार के साथ मनाऊंगी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माता रानी, तुम्हें लंबी उम्र दे और बहुत सारी खुशी। वैसे अभय, आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था
ये मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले केक मुझे आप खिलाएंगे, तो बताइए कब आ रहे हैं आप मुझे सबसे पहले केक खिलाने के लिए? अब लगता है मेरे पति ना आज बहुत आलस भरे मूड में है। मैं काम करती हूँ, मैं ना अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर लेती हूँ और उसे यहाँ बुला लेती हूँ। पता है आप कब है? मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो कभी भी मुझे उदास नहीं देख सकता। अच्छा, आज फिर तुम उसे ही बुला लो। अबे शायद वो पार्सल आया होगा, आप ले लीजिए। हाँ मैं देखता हूँ। थैंक यू। जल्दी आइएगा आप, है मुझे यहाँ आपका इंतजार रहेगा। माँ जी, श्रद्धा जी तो पूरी कोशिश में है कि अभय जी की घर वापसी हो जाए। जहां मैं रहूंगी ना तेरा बेटा वहीं रहेगा, अभय मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये गया तो मेरे ऐशो आराम के दिन खत्म, और बेटे की कमाई सबसे पहले उसकी माँ के हाथ में दी जाती है। यहाँ भी वही होगा। क्या सोच रही है आप माँ जी? कुछ नहीं, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? जी लाए। माँ मैं तैयार हो गया। क्या करने जा रहे हैं आप? वो इसमें मेरी बचपन की तस्वीरें, छोटी बड़ी सब यादें कैद है। आप इसे कैसे पटक सकती हैं? बेटा मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। वो मैं फिर आप रो क्यों रही हैं? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ कि ये तस्वीरें तेरे लिए बहुत अनमोल हैं, पर इन तस्वीरों को देखकर मुझे याद आता है कि तुझे पैदा करने वाली माँ इनमें कहीं नहीं है। और इन तस्वीरों को देखकर ना मुझे बहुत डर लगा, मुझे लगा कि इन यादों में उलझ के मेरा बेटा मुझे कहीं आज ही छोड़कर ना चले जाएगा। मैं क्या करूंगी? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं इस दुनिया में सिर्फ आपकी वजह से है, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा, बुरा मत मानना, पर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक ये तस्वीरें क्यों? मैं जानती हूँ कि श्रद्धा ऐसा कभी नहीं करेगी तुम्हारे और मेरे बीच में दूरी लाने के लिए, पर क्या ये तस्वीरें तनुजा ने भेजी हैं? मैं उन तस्वीरों से अभय को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस घर से सिर्फ उनकी याद ही नहीं, वो खुद, उनकी पहचान, उनका हर रिश्ता जुड़ा है इस घर से। मैं जानती हूँ मम्मी जी, उन तस्वीरों को देखते ही, आपको देखते ही
अभय को इस घर की याद आएगी, आपकी याद आएगी, उन्हें आपकी अहमियत, आपकी ममता, आपका प्यार याद आएगा। बहुत प्यार करती हूँ मम्मी मुझे, सबसे ज्यादा। पर जिस तरह से हम अलग हुए हैं, मैं जानता हूँ उन्हें बहुत बुरा लगा है, बीमार रहने लगी हूँ। माँ, आप तो मुझे आज मिली हैं, पर अपनी जिंदगी का हर पल मैंने अपनी मम्मी के साथ बिताया है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं श्रद्धा का जन्मदिन घर पर मना सकता हूँ मम्मी के साथ। मैं जानता हूँ श्रद्धा भी यही चाहती है। प्लीज माँ, मैं जाऊँ। मेरा प्यारा बेटा अपनी माँ से इजाजत मांग रहा है, अगर मैं मना कर दूँ तो नहीं जाएगा? आप मना करेंगी तो नहीं जाऊंगा। तुम अच्छा, बेटे के आने की खुशी में आप अपनी तबीयत भूल गई है क्या? आप जाइए, जाके आराम कीजिए, ये सब कुछ मैं कर लूंगी, आप जाइए। नहीं श्रद्धा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और अभय भी आ रहा है, तो हम सब कुछ खुद अपने हाथ से बनाएंगे। हाँ। नहीं मम्मी जी, आप अपनी तबीयत देखिए, क्या है? दीवार पर सर मार रही हो श्रद्धा। तुम्हें पता नहीं है क्या कि भाभी की जिद के आगे किसी की नहीं चलती? हाँ, क्योंकि मम्मी के ऊपर अब अभय भैया वाली जिद चढ़ गई है, अब वो किसी की नहीं सुनने वाली है। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, सीधी समझ ले, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खुद तुझे पालने वाली माँ के पास लेके जाऊं, तनुजा के पास। बहुत प्यार किया है उसने तुझे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। और मैं जानती हूं बेटा, एक जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। कितना भी जोर लगा लो श्रद्धा, मुझे अब अभय से अलग नहीं कर सकती तुम, पर तनुजा को अभय से जरूर अलग करूंगी। वो होगा मेरी तरफ से तोहफा तुम्हारे जन्मदिन का। माता रानी, मैं अपने जन्मदिन पर बस यही मांगना चाहती हूँ कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। माँ अपने बच्चे से कभी अलग ना हो। माता रानी, आप बस सच का साथ दीजिएगा और जीत सिर्फ सच की हो। मम्मी जी, आपके हाथ के बनाए खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है ना कि बिना खाए रहा ही नहीं जाता। ये तो एक नंबर बात कह रही अब साली जी हैं। ओए होए होए, वो खुशबू जोड़ी रही ना चाची जी का हाथ का खाने की, ऐसा नीचे आ रही कि हम ही लफक के ऊपर आ गए। भोग लगा रही, लाइए खीर खाते हैं। तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था, फिर भी मुंह उठा के वापस चले आए इस घर में। अपनी गुंडागिरी ना बंद करो और चलो निकलो पतली गली से। ए बुआ जी, जब देखो चा 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 है। और शाली जी, एक तो आपके हैप्पी बर्थडे पर
आपके जलवेदार जीजा आपको विश करने आए रहे और आपको अपने हाथन से खीर खिलानी चाहिए, हमको आप हमसे कटोरी छीन रही हैं। लगता है सासू माँ से शिकायत करेगा पड़ी। एक शब्द भी और कहा ना तुमने, तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगे। दीदू, दीदू, ये कैसे बात कर रही हैं आप? अपनी सगी बहन के पति के मुंह से निवाला छीन लिया आपने? पति जी, ये खाइए। चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। होश में है तो कीर्ति? तू इस गुलाल को दोबारा से घर में ले आई? भूल गई क्या किया इसने तेरे साथ? क्यों चिल्ला रही हम पे? आप तो ऐसे बोल रही है जैसे आपके और अभय के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होती। पति पत्नी की बात है, होगी लड़ाई तो क्या रिश्ता खत्म कर ले? झगड़ा होने में और हाथ उठा देने में फर्क होता है कीर्ति, और मैं तुझे इस जानवर के साथ नहीं देख सकती। तो वो आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। और भूलिए मत दीदी कि आज जिस भी हालत में हम हैं वो आपकी वजह से। हालात चाहे जो भी, गुलाली अब हमारे पति हैं और हम अपने पति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। पति जी, आप चलिए हमारे साथ। जिस घर में आपकी इज्जत ना हो वहां हम दो मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे जिस काम के लिए आए हैं वो तो पूरा कर ले पहले। चलिए चलिए चलिए। अरे ना रे गुलालवा, फिर से धक्का लग गया तो क्या करेगा, बहुत जोर का लगता है भाई। तो साली जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दूर से ही हैं। भगवान करे आप फूले फले खुश रहे, बिल्कुल ही जलवेदार जीजा की तरह। चले मीमी जी, चले चले। जितना मैं तुझे जानती हूँ कीर्ति, तू कभी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगी। कहीं गुलाल ने कोई धमकी तो नहीं दी तुझे? कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच। श्रद्धा, तुम्हें लगा होगा कि तुमने मुझे बहुत मजबूर कर दिया अभय को तनुजा के पास भेजने के लिए, पर तुम ये नहीं जानती कि अपने मतलब के लिए बाजी को पलटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।